पुष्कर सिंह धामी सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नगर निगम में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि आजीविका से जुड़े कार्यों के साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों को समयबद्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर संपादित किया जाए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 8 नगर निकायों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी नगर निकायों को अपनी अपनी आय में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। साथ ही आय में वृद्धि न होने पर संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी पर कार्रवाई की बात भी कही। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था, फॉगिंग से लेकर कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव आदि कार्य कराते समय संबंधित क्षेत्रों के पार्षदों को जानकारी दी जाए और उन्हें पूर्णतः विश्वास में लिया जाए कि ये सभी कार्य उनके वार्ड में हो रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि बैंकर्स के साथ समन्वय करते हुए तथा पात्रों को प्रोत्साहित करते हुए ऋण उपलब्ध कराया जाए और किसी व्यक्ति के बाहरी क्षेत्र का होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त न किया जाए। आठ जो हमारे निकाय हैं उनके समीक्षा बैठक आज मैं यहाँ ले रहा हूँ और उसमें चाहे हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, चाहे साफ सफाई हो, छिड़काव की बात हो या हमारा अन्य जिस मदों पे हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, सभी बिंदुओं पर मैं एक एक पर जितने हमारे निकाय उन सब बातचीत कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि कुछ निकायों का अच्छी इसमें प्रगति है, शेष में जहाँ पे मुझे लगता है कि उसमें कमी है तो उनको पूरी तरह से निर्देशित किया जा रहा है कि उसमें थोड़ा और मेहनत करें ताकि सरकार का जो लक्ष्य है कि अंतिम सोपान तक बैठा व्यक्ति, अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिसमें माना हमने 10,000 का लोन देके उसको एक काम शुरू करना है, यदि बैंक लोन नहीं दे रहा है किसी कारण से उसका एप्लीकेशन पेंडिंग हुई है तो उससे निकाय अपने संबंधित बैंक से बातचीत करे ताकि लाभार्थी को सीधा लाभ पहुँचे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।